आलमी तबलीगी इस्तेमाल के मौके पर भोपाल की ईद खेड़ी में बड़ा आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु उपस्थित होते हैं, जिसकी व्यवस्था को लेकर भोपाल DCP जोन 3 रियाज इकबाल से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जानकारी प्राप्त की, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से लेकर ईद खेड़ी इज्तिमा घर तक बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, जिसमें लगभग 200 पुलिसकर्मी एवं 1000 वॉलंटियर्स आने वाले जाने वाले लोगों की सुविधा के लिए 24 घंटे मौजूद रहेंगे। देखिए, आपको जैसे पता है हर साल में जो इज्तिमा होता है, 3 दिन का लगातार कार्यक्रम होते हैं। इसमें जो श्रद्धालु है जो आते रहते हैं, पहले 3 दिन लगातार आते हैं और लास्ट के दिन में पूरे जो है मैक्सिमम जो हमारे क्राउड रहते हैं उसमें, और वही पूरे जो लोग हैं श्रद्धालु है, इकट्ठा तीसरे दिन में वापस भी होता है। तो इसको देखते हुए अपने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और जो आसपास की जिलों से जो आते रोड है उसमें पुलिस ने पूरी व्यवस्था लगा दी है। जैसे अपने पुराने भोपाल के रेलवे स्टेशन में जहाँ पे पूरे श्रद्धालु आना है, वहाँ पे पुलिस ने करीब 200 करीब हमारे स्टाफ राउंड द क्लॉक डिप्लॉयड है, जो 8-8 घंटे की शिफ्ट में ड्यूटी करेंगे। वहाँ पे फायर ब्रिगेड और जो क्राउड कंट्रोल की जो जिगजैग जो रॉप वगैरह जो होता है, CCTV कैमराएं लगाई हैं, तो पूरी हमारी व्यवस्था है वहाँ पे। ये पूरे इसमें करीब 1000 करीब जो है उनके जो वॉलंटियर्स जो है वो पूरे इस्तेमाल स्थल पर और यहाँ पे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, रूटों में भी पुलिस की मदद के लिए आ जाते हैं। तो वो लोग वेल ट्रेंड है, हर साल में वो लोग करते हैं और वो पुलिस के साथ में फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में काम करते हैं। वो आके हमारे मदद करते हैं, सारे श्रद्धालुओं को लाइन वगैरह लगाकर रेलवे स्टेशन से लाना, ले जाना और गाड़ी संबंधित गाड़ियों में उनको बिठाना, इस्तेमाल स्थल पर पहुंचाना, उनके रुकने की व्यवस्था, फिर वहां से कौन सी गाड़ी पहले वापस आएंगे, दूसरे कब आएंगे, पूरे ट्रेन और बस वगैरह के टाइमिंग के हिसाब से वॉलंटियर्स पूरी उसमें काम करते हैं। तो पूरे व्यवस्था है, हर साल की तरह करीब टोटल 2000 के ऊपर पुलिस वाले पूरे डिप्लॉयड है पूरे।